नमस्कार, मैं नियाज खान। दुनिया की सबसे मशहूर क्रिकेट लीग आईपीएल के लिए एक बार फिर से मेगा ऑक्शन की शुरुआत हो गई है। 600 खिलाड़ियों पर लगने वाली बोली से पहले ही दुनिया के तमाम क्रिकेट प्रेमियों की नजर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर पर थी, जिन्हें उनकी टीम हैदराबाद सनराइजर्स की ओर से बड़े ही बेआबरू करके बाहर निकाला गया था। ऐसे में यह माना जा रहा था कि वार्नर की जबरदस्त बोली लगने वाली है, लेकिन इस दिग्गज खिलाड़ी को तो ऑक्शन में गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने ही पछाड़ दिया। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सबसे पहले टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज और ओपनर शिखर धवन पर बोली लगाई गई। 2 करोड़ की बेस प्राइज वाले शिखर धवन की जब बोली लगनी शुरू हुई तो फिर ये बोली 8 करोड़ 25 लाख पर ही जाकर रुकी, जबकि कुछ ऐसा ही जलवा टीम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का भी रहा, जिन्होंने उनकी 2 करोड़ की बेस प्राइस में कहीं ज्यादा 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया, जबकि विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर इन दोनों खिलाड़ियों से पिछड़ गए, उन्हें 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा। शिखर धवन को पंजाब किंग्स ने 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा। कैगिसो रबाडो को पंजाब किंग्स ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। ट्रेंट बोल्ट को राजस्थान रॉयल्स ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा। पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। फॉफ डुप्लेसिस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा। देवदत्त पड्डिकल को 7 करोड़ 75 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। मोहम्मद शमी को गुजरात टाइटन्स ने 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा। आर अश्विन को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ में खरीदा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर पर 12 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि उन्हें केकेआर कप्तान बनाएगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर से ज्यादा भरोसा आईपीएल टीमों ने देवदत्त पड्डिकल, फॉफ डुप्लेसिस जैसे खिलाड़ियों पर दिखाया, जबकि वार्नर के आईपीएल करियर की बात करें तो 150 मैच खेल चुके वार्नर के नाम 4 शतक 50 अर्धशतक के साथ 5,449 रन हैं, जो बता रहा है कि आईपीएल में उनका क्या भौकाल है। लेकिन इसके बावजूद महज 6.25 करोड़ में बिके वार्नर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।